कोई चीज में कमी नहीं करते, कोई चीज में सर एक प्लेट में 5-6 तरह का आइटम हो जाता है, 6 आइटम है सर, 6 आइटम। यहाँ पे आपको बता दें कि मेनली जो यहाँ के कस्टमर्स रहते हैं वो यहाँ के डेली वेज वर्कर्स रहते हैं, और जो ऑटो ड्राइवर्स रहते हैं वो सब आके यहाँ पे मेनली खाते हैं, जस्ट बिकॉज उनको एक 15 रुपये में एक अच्छा मील मिल जाता है, जो कि बहुत सही बात है यहाँ पे। अच्छा, आपको खाना कैसा लगता है यहाँ का? बहुत बढ़िया लगता है, 15 रुपये में हिसाब से ठीक है, अच्छा खाना है। अभी होटल भी बहुत मस्त है, हम लोग रोज आते हैं यहाँ खाने, रोज खाने आते हो, रोज भरपेट खाना मिलता है ना यहाँ पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अच्छा फूडी वाइब्स। तो गाइज, हम आपको एक ऐसी जगह लेके आ चुके हैं जहाँ पे सिर्फ 15 रुपये में खाना मिलता है, वो भी भरपेट। आप पीछे मेरे देख सकते हैं मामा शाह भोजन सेवा केंद्र, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है मात्र 15 रुपये में थाली। एंड इसका आपको लोकेशन बता दें तो ये कारगिल चौक के जस्ट अपोजिट में मैं हेल्प यू है, उसके जस्ट आप सामने देखिएगा तो मेन रोड पे आपको यहाँ पे ये मामा शाह भोजन सेवा केंद्र दिख जाएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि 15 रुपये के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या खाना मिलता है, और वो 15 रुपये के वर्थ इट है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं अंदर और खाना दिखाते हैं आपको, और ये जगह दिखाते हैं, और कैसा खाना देते हैं वो भी दिखाते हैं। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे मैनेजर है यहाँ के, जो यहाँ सब कुछ मैनेज करते हैं। भैया, यहाँ 15 रुपये में क्या क्या खाना प्रोवाइड किया जाता है? चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, अचार, ये सारा। यहाँ पे शायद मुर्गा, मछली, ये सब का भी टोकन है। 2 पीस अंडा, चावल, सलाद मिलता है 25 रुपये में, 2 पीस मछली चावल सलाद मिलता है 40 रुपये में, 2 पीस मुर्गा चावल सलाद मिलता है 40 रुपये में, और 8 पूड़ी सब्जी सेवई 15 रुपये में, 5 रोटी सब्जी दाल भुजिया 15 रुपये में। मतलब टोटली 4 तरह का खाना हरदम प्रोवाइड रहता है यहाँ पे, है ना? तो चलिए, यहाँ पे तो आप जान लिए, तो चलिए चलते हैं अंदर, आपको खाना दिखाते हैं यहाँ का। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंटर से बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए आप भुंजिया रखा है, पूड़ी रखा है, और ये नीचे से सेवई का काउंटर था जो कि अभी ख़त्म हो गया है। ये सुबह के टाइम आप आइएगा तो आपको सेवई पूड़ी वगैरह मिलेगा, एंड दोपहर से ही आपका चावल वगैरह शुरू हो जाता है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं, ये कौन सब्जी है भैया? कौन सब्जी है? आलू सोयाबीन। आलू सोयाबीन का सब्जी बना है, ये दाल है, वो चावल है, और यहाँ पीछे देख सकते हैं और सब चीज़ बन रहा है। अच्छा, चिकन छान रहा है, इसका चिकन करी बनाएंगे जी, चिकन करी, मछली, मुर्गा, अंडा, ये भी मिलेगा। थोड़ा थोड़ा प्राइस में इंक्रीजमेंट रहेगा, थोड़ा इंक्रीज रहेगा प्राइस, लेकिन आपको सब्जी मिलेगा। ये टमाटर का चटनी, भुंजिया सर, वो पूरी है हमारे पास, कोई चीज़ में कमी नहीं करते, कोई चीज़ में सर, एक प्लेट में 5-6 तरह का आइटम हो जाता है, 6 आइटम है सर, 6 आइटम। अच्छा, आपको खाना कैसा लगता है यहाँ का? बहुत बढ़िया लगता है, 15 रुपये में हिसाब से ठीक है, अच्छा खाना है। और यहाँ भैया मछली खा रहे हैं, बढ़िया है सब चीज़। आप रेगुलर खाते आते हैं? नहीं, कभी कभी जब टाइम मिलता है तो आके खा लेते हैं, बढ़िया खाना मिलता है 40 रुपये में, और क्या चाहिए, 15 रुपये में सादा खाना मिलता है 40 रुपये में, मछली चावल देता है, और चिकन भी 40 रुपये, चिकन चावल 40 रुपये, अच्छा लगता है ना। फ्रेंड्स अभी देखते हैं, यहाँ बच्चा लोग बैठा हुआ है, बच्चा पार्टी। तो बाबू, कैसा लगता है यहाँ का खाना? ठीक लगता है। क्या क्या चीज़ खाया अभी तक यहाँ पे? अभी सादा खाना। सादा खाना खाया हो, बढ़िया लगा ना? हाँ, बढ़िया लगा। तुमको कैसा लगता है? अंडा चावल खाया है। अंडा चावल कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? तुमको बाबू? हमको भी, होटल भी बहुत मस्त है, हम लोग रोज आते हैं यहाँ खाने, रोज खाने आते हो, रोज भरपेट खाना मिलता है ना यहाँ पे, जब मन भर जाता है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग खुद ट्राई करते हैं यहाँ का खाना। आपको दिखाएं कि हमारा थाली कैसे लगा था। तो यहाँ आपको पहले हम लोग चावल टेस्ट करके दिखाते हैं, चावल है और ये सब्जी है आलू सोयाबीन का। सब्जी का टेस्ट बढ़िया है, अच्छा मसालेदार सब्जी है, ऐसा नहीं कि फीका बना हुआ है, अच्छा है। यहाँ भुंजिया है, भुंजिया टेस्ट करते हैं, जो कि आपको सादा खाना में मिलता है। भुंजिया भी सही है, लेकिन भुंजिया थोड़ा ठंडा हुआ हुआ है, सब्जी हल्का गर्म है, और पूड़ी के साथ भुंजिया थोड़ा ट्राई करते हैं। पूड़ी ठीक है, पूड़ी मुलायम है, बस बात है कि ये पहले का बना हुआ था, सुबह में जो प्रोवाइड होता है खाना उसमें पूड़ी कहता है, इसलिए पहले का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मुलायम है अभी भी। तो बढ़ते हैं अपने नॉनवेज की तरफ। जैसा आपको बताया कि नॉनवेज खाना भी प्रोवाइड होता है, तो पहले ट्राई करेंगे अंडा कड़ी। ग्रेवी ठीक है, ग्रेवी थोड़ा लाइट है, एंड अंडा ठंडा है।
नॉर्मल खाना के हिसाब से अंडा कड़ी बहुत सही है। एट लास्ट अपना ट्राई करेंगे चिकन, या आप चिकन का पीस देख सकते हैं, ऐसा ही आपको पीस मिलेगा अगर आप चिकन वाला थाली लेते हैं तो। चिकन तो वेल कुक्ड है एंड हल्का गर्म है चिकन, जैसे आपको दिखाया था चिकन पहले फ्राई किया जाता है एंड फिर कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग उसको ग्रेवी में डाल के उनको सर्व किया जाता है। चिकन का आइटम बहुत सही है, आप डेफिनेटली यहाँ पे चिकन का आइटम ट्राई कर सकते हैं, जो कि इसका रेट अगर आप चिकन का थाली लेते हैं तो आपको 40 रुपये का पड़ेगा वो, और उसमें आपको दो पीस चिकन का मिलेगा और चावल मिलेगा, जबकि हम लोग तो बस अभी टेस्ट करने के लिए एक पीस लिए हैं और चिकन का टेस्ट काफ़ी अच्छा है उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, तो ये आप जरूर ट्राई कर सकते हैं चिकन थाली। एंड आपको ये चीज़ बता दें कि इतना खाना तो देने के बाद भी उन लोग चिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो 15 रुपये के हिसाब से यहाँ का थाली बहुत ही बेहतरीन है और ये बहुत ही नोबल काम है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाओगे तो 15 रुपये का बस आपको एक तंदूरी रोटी प्रोवाइड किया जाएगा, और यहाँ आपको पूरा थाली मिलता है खाने का जिसमें 5 से 6 आइटम रहता है, तो इट्स वेरी गुड। तो आप भी यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं, तभी चलिए अपना खाना कंप्लीट करते हैं एंड देन फिर कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़ यहाँ का आपको खाना तो दिखा दिए एंड आपको दिखा दिए कि 15 रुपये के हिसाब से आपको कैसा खाना मिलेगा एंड आपको सब कुछ यहाँ का रिव्यू दे दिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पे अगर आप खाना पैक करा के ले जाना चाहते हैं तो अभी आप करवा सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको बता दें कि मेनली जो यहाँ के कस्टमर्स रहते हैं वो यहाँ के डेली वेज वर्कर्स रहते हैं, और जो ऑटो ड्राइवर्स रहते हैं वो सब आके यहाँ पे मेनली खाते हैं, जस्ट बिकॉज उनको एक 15 रुपये में एक अच्छा मील मिल जाता है, जो कि बहुत सही बात है यहाँ पे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।